Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Student, 10th class की ज्योग्राफी में अपने chapter 6 manufacturing industry कर रहे हैं, उसमें आज अपने next topic mineral based industries कर ली. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स और मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर नॉन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो कुछ इसके एग्जांपल आपने पहले ही पढ़े होंगे, उसमें आ जाएगा जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. सेकंड आ जाएगा इसमें एल्युमिनियम स्मेल्टिंग और कॉपर स्मेल्टिंग. या आपकी बुक में इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, तभी पूछे जा सकते हैं. तो आज अपने जो करेंगे वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अपने जो आज करने वाली है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, फंडामेंटल इंडस्ट्री. इसे अपने बेसिक और फंडामेंटल इंडस्ट्री कह देते हैं. ठीक है, बेसिक और फंडामेंटल इंडस्ट्री से अपने बोल देते हैं. तो बेसिक और फंडामेंटल इंडस्ट्री से अपने क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की जो इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर डिपेंड रहती है फॉर देयर मशीनरी. ठीक है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आर डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी. ठीक है, इसके अलावा इससे जो अपने कह सकते हैं वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, उसके बाद डिफेंस, मेडिकल, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये सारी इससे बनती है. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट इसमें बात करें तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एक तो जैसे आ गया बेसिक और फंडामेंटल इंडस्ट्री, एक तरफ अपने इसके यूज करते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो है कि ये इंडस्ट्री बल्की और हैवी इंडस्ट्री है. जैसे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में पहले पढ़ के गए हैं, बल्की इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का हमने एग्जाम्पल लिया था. तो ये बल्की और हैवी इंडस्ट्री है. बल्की और हैवी इंडस्ट्री से अपने क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज्ड होता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है दोनों ही हैवी होते हैं और इसको हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, इसी वजह से इसे अपने बल्की या हैवी इंडस्ट्री कहते हैं. अब थोड़ी इसकी अपने जो कंस्ट्रक्शन की बात कर ले या इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, उसमें अपने बात करें तो इसमें आयरन और कोकिंग कोल और एक हो गया आपका लाइमस्टोन, इसको यूज किया जाता है फॉर रेशो 2:1. इसके अलावा इसमें एक मैग्नीज यूज किया जाता है, निकल यूज किया जाता है और उसके अलावा क्रोमियम यूज किया जाता है. ठीक है, ये उसको हार्डनेस देने के लिए यूज किए जाते हैं. तो ये इसके मतलब कंपोनेंट पार्ट हो गए जिससे मिलकर
इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, इसका एक डायग्राम है, उसके थ्रू आप इसे समझ सकते हो। प्रोसेसिंग या प्रोसेस ऑफ आयरन और टू स्टील, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल इन प्लांट। फर्स्ट स्टेप में जो रॉ मटीरियल है उसको कहां तक लेके आया जाता है, प्लांट तक लेके आया। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है ब्लास्ट फर्नेसिंग। सेकंड स्टेप जो होता है वो कहां होगा, ब्लास्ट फर्नेसिंग। ब्लास्ट फर्नेसिंग में क्या होता है, आयरन ऑर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटीरियल विच आर एडेड, फिर क्या होता है, स्लैग इज रिमूव्ड, और जो इसमें कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल बर्न टू हीट द ऑर। ये प्रोसेस इसमें होते हैं, आयरन और मेल्टिंग हो गए, इसमें मेल्ट होगा लाइमस्टोन में फ्लक्सिंग मटेरियल एंड एक जो धातु को साफ करने वाला मटेरियल है वो इसमें मिलाया जाता है, जिससे जो स्लैग है, प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है, और जो कोकिंग कोल होता है वो जलता है और को हीट देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है पिक आयरन। पिक आयरन में क्या होता है, मोल्टिंग मटीरियल और इनटू मोल्ड और फिर मोल्ड सांचों में डाल दिया जाता है, जो मेल्टिंग मटेरियल है जिसको अपनी पिक आयरन या धर्मा लोहा कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है स्टील मेकिंग। इसमें क्या होता है, स्टील मेकिंग में जो पिक आयरन है, पिक आयरन फर्दर प्यूरिफाइंग बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, पिक आयरन फर्दर प्यूरिफाइंग बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इंप्योरिटीज, मैंगनीज, निकल एंड क्रोमियम आर एडेड। इसके बाद में लास्ट स्टेप जो होता है जैसे अपने बोल देते हैं स्लिपिंग मेटल। इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, इसमें एक प्रोसेस होगी आपकी रोलिंग, एक प्रोसेस होगी इसमें प्रेसिंग, एक होगी कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब जैसा भी ढांचा हो उसके अकॉर्डिंग से जैसा डालना हो जैसे ढांचे बने होते उसमें, और फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये आयरन और से जो स्टील कैसे बनता है उसकी प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें अपने करते हैं इसके प्रोडक्शन कितना है इंडिया में, इसके बारे में इंडिया 2018 में जो क्रूड स्टील है उसका 106.5 मिलियन टन जो प्रोडक्शन करता है किया था, और सेकंड प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें जो स्पॉन्ज आयरन होता है उसके प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पर कैपिटा
पहला कंजंक्शन की बात अपने करें तो 2018 में इंडिया 17.9 केजी पर एनम प्रोडक्शन कर रहा था, सॉरी कंजम्पशन कर रहा था, जो वर्ल्ड वाइड जो डाटा है से वो थे 224.5 केजी पर एनम, मतलब इंडिया का जो कंजम्पशन रेट है वो बहुत कम है। एक जो है जो आपका आयरन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन, किसी कंट्री का इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करता है कि कोई कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, कितनी ज्यादा डेवलपिंग में आती है, डेवलपिंग में आती है, जो इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, इसके लिए इंडेक्स का यूज इसके किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसमें। और चाइना और इंडिया की अपनी बात करें, 1950 में चाइना और जो इंडिया है उसका जो प्रोडक्शन था आयरन ऑर का वो इक्वल था, सेम था, लेकिन आज जो चाइना है वो वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस है उसका प्रोडक्शन में और फर्स्ट प्लेस ही है उसका कंजम्पशन में। तो चाइना है उसने उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। ठीक है, आगे अपने बात करें कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, ये प्रोडक्शन की बात हो गई, अब अपने बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की अपने बात करें तो इंडिया में जो आयरन और सॉरी आयरन एंड स्टील प्लांट है वो कहां कहां है, इसमें वेस्ट बंगाल दो आ जाएंगे, इसमें जो आपकी बुक में दे रखे हैं भरतपुर और दुर्गापुर, झारखंड में आ जाएंगे बोकारो और जमशेदपुर, फिर उड़ीसा में आ जाएंगे राउरकेला, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा आपका बेलाई, कर्नाटका में आ जाएगा एक को आ जाएगा विजयनगर और दूसरा आ जाएगा आपका इसमें भद्रावती। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में आ जाएगा सेलम। ठीक है, इसको देखने से आपको पता चलता है कि वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और ये वाला पार्ट जिसका आंध्र प्रदेश है, ये वाले जो आपको मिलेंगे वो छोटा नागपुर जो प्लेटू रीजन है उसमें या उसके आसपास के रीजन में मिले। और इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द आयरन इंडस्ट्री है उसका कंसंट्रेशन आपको छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मिल रहा है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ जो आयरन ऑर है वो अपने कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यह आपको मिलता है। ठीक है, और फाइन ग्रेड या अपने कह सकते हैं कि हाई ग्रेड जो रॉ मटेरियल है, इसके अलावा जो इसमें आपको यूज होता है अपने लाइमस्टोन की अपनी बात कर लें, कोकिंग कोल की बात कर लें, तो ये भी यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलता है। उसके अलावा जो लेबर है वो चीप लेबर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लोकल मार्केट भी अवेलेबल है इनके कंजम्पशन में। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये छोटा नागपुर क्रेडिट रीजन में आपको मिलता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। एक अपने थोड़ा सा टॉपिक इसमें और देख लें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स में एक तो आ जाएगा कि सिर्फ कोकिंग कोल है,
वो लिमिटेड मिलता है और अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता ज्यादा। बस इंडिया को कितना चाहिए होता है उसका सेल्फ कंजम्पशन के लिए उतना ही इंडिया को मिलता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कुकिंग को नहीं मिलता। इंडिया को इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, एक दिक्कत ठीक है। लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो यहाँ की लेबर है उसका आउटपुट जो है वो लो आउटपुट है, ज्यादा आउटपुट वो नहीं दे पाती, ये भी इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है वो पुअर है, पुराने टाइप की है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ जो प्लांट्स है उसमें उनका प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं हो पाता, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है। इतना सब कुछ होते हुए भी अपने कह सकते हैं कि इंडिया जो है उसमें बहुत ज्यादा अपने कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है आयरन एंड स्टील सेक्टर में, क्योंकि इंडिया में आयरन ऑर है वो अच्छी अमाउंट में मिलता है, अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, तो इसी वजह से इंडिया जो है सेल्फ सफिशियंट भी है। ज्यादा जो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर पाता इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सेल्फ सफिशियंट है। इसमें धीरे धीरे क्या है कि इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, जैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसमें कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो प्राइवेट इंपोर्टर है उनकी हेल्प से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ा है। इसके साथ साथ ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका उसको इस सेक्टर में और काम करने की जरूरत है, जिससे इंडिया का जो आयरन एंड स्टील का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे और बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये फंडामेंटल इंडस्ट्री है। बाकी सभी इंडस्ट्री है उसे मशीनरी की फॉर्म में बेस प्रोवाइड करवाती है और ये किसी भी कंट्री का एक डेवलपमेंट इंडेक्स है कि ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कंजम्पशन करने वाली कंट्री डेवलपमेंट इंडेक्स में हायर लेवल पे होती है। इस वजह से इसमें जो कमियां हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की जरूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये आपका आयरन एंड स्टील का टॉपिक था। एक टॉपिक इसमें और है जिसमें मिनी स्टील प्लांट आ जाएंगे। मिनी स्टील प्लांट कौन से होते हैं? जनरली वो लोकल अवेलेबल जो अपने कह सकते हैं कि स्पॉन्ज आयरन हो गया, ठीक है, या जो अपने कह सकते हैं कि कबाड़ का लोहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एलॉय स्टील का प्रोडक्शन होता है, स्मॉल लेवल पे उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक इसमें इंटीग्रेटिंग जो स्टील प्लांट है, लार्ज स्टील प्लांट का भी आपने थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है, उसमें ये आ जाएगा कि जो मतलब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं उसमें रॉ मटेरियल से लेकर और आगे स्टील मेकिंग तक की सारी प्रोसेस कहाँ होती है? उसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में एक जगह ही होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, कुछ पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हो।